हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, साथ ही हम देखेंगे 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 18,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 18,420 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 43,300 का सपोर्ट मिल रहा है और 44,200 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। इन स्टॉक्स को आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल लिमिटेड। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बाय कर सकते हैं 823 पर, स्टॉप लॉस 798, पहला टारगेट 848 पर रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 873 पर रख सकते हैं। इसके बाद है कोलते पाटिल डेवलपर्स, यहां पर वॉल्यूम स्पर्ट है, आप इसे बाय कर सकते हैं 297 पर, स्टॉप लॉस 285, पहला टारगेट 310 और दूसरा टारगेट 320 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 83.20 के अराउंड, वहीं स्टॉप लॉस 80 रख सकते हैं, पहला टारगेट 87 और दूसरा टारगेट 90 रख सकते हैं। इसके बाद है श्नाइडर, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है, आप इसे बाय कर सकते हैं 225 पर, स्टॉप लॉस 216, पहला टारगेट रख सकते हैं 234 पर और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 243 पर। नेक्स्ट स्टॉक इज जोमैटो, यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, आप इसे बाय कर सकते हैं 68 पर, स्टॉप लॉस 64, पहला टारगेट 72 और दूसरा टारगेट 76 पर रख सकते हैं। बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, तो चलिए देखते हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। न्यूक्लियस वेंट अप 3%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, एंड HSCL वेंट अप 2.4%। स्टॉक्स इन न्यूज की बात करें जिसमें आज ITD, सीमेंटेशन, पेज इंडस्ट्रीज एंड इमामी के बारे में बात करेंगे। ITD सीमेंटेशन के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स पर नजर डालें तो नेट प्रॉफिट 130% ऊपर रहा है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, रेवेन्यू 39% ऊपर रहा है ईयर ऑन ईयर, एबिटा वाज अप 75% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 146.6 करोड़, एंड मार्जिन केम एट 9% वर्सेस 7.1% ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज ने दीपांजन बंदोपाध्याय को एज CFO अपॉइंट किया, जो इफेक्टिव है फ्रॉम 1st June। साथ ही दे रीअपॉइंटेड शमीर जिनुमल एज डिप्टी MD फॉर अनदर 5 years, जो इफेक्टिव है फ्रॉम 1st September। इमामी के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स देखें तो नेट प्रॉफिट डाउन रहा है 59.4% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 144.4 करोड़, इसके साथ रेवेन्यू वाज अप 8.8% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 836 करोड़, एबिटा ऊपर रहा 19.5% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 223.6 करोड़, और साथ ही मार्जिन केम एट 26.8% वर्सेस 24.4% ईयर ऑन ईयर। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।